कार्यक्रम प्रारंभ से ही और ये योजना कोई पल भर में नहीं हुआ, इनके मानस में बहुत पहले से परिवर्तन आ चुका था जिसके परिणाम स्वरूप ये इतना सब कुछ हुआ। और इसकी आवश्यकता है, जो बैठे हैं सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है, ये विराम होगा नहीं, हमें अनवरत इसी प्रकार से चलना पड़ेगा। क्योंकि कटती गयारी पुकार सांभली जो वीरा कटती गायों
अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन विशेष बात इस भजन की जो सबसे बड़ी बात यह है, क्यों आदमी को जब तक कहते ना कि भजन गाने से कुछ नहीं होता, जब तक दिल के अंदर हृदय के अंदर चोट जब पीड़ा उसे महसूस नहीं होती तब तक उसका कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं है, समय व्यर्थ हुआ। मेरे परिवार की छोटी सी घटना है जिससे मैं प्रेरित होकर इस ओर बढ़ा और लगातार निरंतर केवल भजन के माध्यम से नहीं, और ये कोई कहना या कोई आत्मश्लाघ वाली बात भी नहीं होगी कि मैं ऐसा कुछ करता हूं। संत लोग अपने प्रमाण इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि ताकि उनको सुनकर कोई प्रेरित हो और उसके मन में भी इस प्रकार के भाव जगे। इसी निमित्त होकर मैं ये बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं जोधपुर में रहता हूं, सरकारी नौकर शिक्षक हूं, पिताजी गांव में रहते फूला सर। निवेदन किया उनसे कि पिताजी नौकरी की वजह से हम तो गांव आ नहीं सकते, छुट्टियों के अलावा आप कृपया करके जोधपुर आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा जिस प्रकार तू अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है और उसी प्रकार मेरी माँ यानी तेरी दादी जिंदा है और मैं ये शहर रह नहीं सकते और इन्हें छोड़कर मैं अपनी सेवा करवाने आऊं, ये मेरे से तो नहीं होगा बेटा। सही बात है, अपने माँ बाप को कौन अकेला छोड़ के अपनी सेवा कराने आएगा। और मैं तो समझता हूँ कि जिनके स्वयं के माँ बाप जिंदा हो इस दुनिया में हैं, उन्हें अपने पांव अपनी औलाद से दबाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो खुद सेवा के काबिल है। ऐसा मन में भाव मैंने अपने पिताजी के श्रीमुख से सुना तो मुझे लगा कि ठीक है, ये अपनी जगह सही कह रहे हैं। मैंने प्रेशर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, ज्यादा बार बार दबाव नहीं डाला। दुनिया में अमर कौन है, एक दिन दादी का जाना हुआ, फिर चंद महीनों बाद उनसे पुनः एक बार याद आया कि ऐसा पिताजी से अनुरोध किया था, क्यों नहीं वापस एक बार आज उनसे बात पूछ ली जाए उनके क्या विचार है। तो मैंने बोला पिताजी अब तो आपके पास मां नहीं है, आप आ जाइए जोधपुर। तो मेरे पिताजी ने जो फोन पर मुझसे जो बात हुई उस फोन में छोटी सी बात थी जिसने मेरे हृदय को अंदर तक चीर दिया और मैं उससे आगे दो शब्द नहीं कह पाया। उन्होंने कहा कि बेटा माँ तो नहीं है लेकिन हर महीने दो महीनों से तुम्हारे बस से मैं जब दूध घी छाछ दही भेजता हूं ना, वो एक नहीं दो दो गौ माँ मेरे पास खड़ी है और इनको छोड़ करके मैं जोधपुर अपनी सेवा करवाने नहीं आ सकता। मेरा मन एकदम उद्वेलित हो उठा के हम क्या सोच रहे, हम यहां तक सीमित है और ये गांव के जो लोग हैं उन्हें अपना पिताजी नहीं समझा, उन्हें गांव का गांव की जमीन से जुड़ा पृष्ठभूमि से जुड़ा व्यक्ति समझकर सोचा कि वाकई में जो लोग गांव में रहते हैं उनकी भावना किस हद तक है, वो गाय को कितना ऊंचा दर्जा देते हैं। मां समान अपन मां कहते मात्र हैं लेकिन वो वाकई में उसे इतना समझते हैं और आज भी वो गांव विराजते हैं। और मैं बड़ा अपने आप को पुण्यार्थ समझता हूं कि उनके परिवार में मेरा जन्म हुआ और उनके आशीर्वाद से मेरे अंदर ये भावना जगी और मां सरस्वती की कृपा से शब्द लिखने पड़े और आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिला। बोली गौ माते की जय हो।
गायो री फुकार करो तो फिर उसके बाद में आप पर विशेष परमपिता परमात्मा की कृपा बनेगी और दया का भाव अन्यथा रख पाओ या ना पाओ लेकिन इन तीन पर तो आपकी विशेष कृपा होनी चाहिए। घोरी नरकी कुंभी पा